आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर पहुंची श्योपुर। आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। मध्य प्रदेश में तीसरे दल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वजूद खड़ा करने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन के विस्तार करने हेतु निकल पड़ी है। आम आदमी पार्टी ग्वालियर चंबल में अपना वजूद स्थापित करने निकल पड़ी है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष एवं सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। रानी अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी गुण सिखाए। इसके बाद रानी अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की बात कही और कहा कि मध्य प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तरह सरकार बनाएंगे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की खास रिपोर्ट। पार्टी के प्रदेश के नाते, अध्यक्ष के नाते यहाँ किस तरीके से क्या कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, हमारे पूरे ग्वालियर जोन में ये मेरा प्रथम पूरा भ्रमण चल रहा है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं में बहुत जोर शोर से है और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से लगे हैं और इस बार हम सबको राष्ट्रीय नेतृत्व का भी पूरा सपोर्ट, सहयोग और पूरा सबका पूरे एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम सबको घर घर तक पहुंचना है। इस बार हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जनता का आशीर्वाद लेगा। पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब जीता, लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास जगाए तो क्या मध्य प्रदेश में भी अब इस तरीके की जीत को लेकर रणनीति तय की जाएगी? बिल्कुल, जीत को रणनीति के लिए बिल्कुल तैयारी हो रही है और हमारे बूथ स्तर तक लगभग संगठन की तैयारी हो चुकी है और जल्दी हम रणनीति सब बना के आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि अब की बार 205 फिर बीजेपी आएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम बैठेंगे, आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल है? जी, हमारी सरकार बनेगी। जिस तरीके से अभी जो बीजेपी है दिल्ली में लगातार केजरीवाल के जो शीश महल है उस पर लगातार आरोप, भ्रष्टाचार के पत्थर फेंक रही है, कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? क्योंकि बीजेपी का ये है कि मुद्दों से भटकना उनका ये काम है, तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है और सिर्फ वो आप पार्टी को, क्योंकि अगर उनको डर लग रहा है तो सिर्फ आप पार्टी हमारे नेता केजरीवाल जी से लग रहा है, तो इसलिए वो एक मुद्दे अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रही है। और आप सब जानते हैं कि वो सरकारी है, सरकारी ऐसा होता है कि कोई हमारे नेता के नाम रजिस्ट्री नहीं है। आप देखिए मोदी जी के 15 पता नहीं कितने करोड़ों का वहाँ पे बन रहा है, आप मध्य प्रदेश में लगा लीजिए कितने करोड़ों का वहाँ पे कार्यालय बन रहा है, तो जो उसकी कोई पूछ नहीं होती है, लेकिन ये तो सरकारी है ना, तो हमारे नेता जी के नाम कोई रजिस्ट्री है? भाई आज है, कल खाली भी हो सकता है, कल कोई दूसरा भी हो सकता है। क्या सर दिल्ली जीतने की तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की तो काम ही यही है उनका। मध्य प्रदेश में एक लोक लुभावन ये योजना, ये लाडली बहना योजना कितना प्रभाव डालेगी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? आप सब जानते हैं कि बीजेपी का सिर्फ योजनाओं पर घोषणाओं पर घोषणाओं और चुनाव का दौर है, अंतिम समय में ये घोषणा करना उनका, क्योंकि सिर्फ घोषणा पर घोषणा करते हैं और ज़मीन पे कोई घोषणा उनकी दिखाई नहीं देती है। और ये जनता समझ रही है, हमारी बहनें सब समझ रही हैं कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी घोषणा है, इसके भ्रम में जनता इस बार नहीं आएगी। अच्छा, कितनी सीटें जीतेगी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी? पूरी 230 जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी।